फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, आज वेडनेसडे है, करीब सुबह के बज रहे हैं 4 और हमारी ट्रेन आने वाली है। स्टेशन पे हैं हम, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मैं, वान्या और हमारा छुटकू, हम लोग जा रहे हैं जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है ना, जॉब, वहीं पर जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से यही हो रहा था, अभी चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मना कर दिया था। अभी जैसे तैसे करके 20-25 दिन हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रहे थे तो सोचा चलो चलते हैं। बिकॉज़ क्या है ना, मेरे घर पर मेरी मदर इन लॉ जो है, मम्मी जी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है, बेड रेस्ट पर है, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया है। तो अभी क्या हो रहा था ना कि पापा आ रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ, तो उनका केयर मैं कर रही थी, बट बेबी की डिलीवरी के बाद मैं उनका केयर भी नहीं कर पा रही थी ठीक तरीके से, क्योंकि मैं बेबी में बिज़ी हो गई थी। तो इस वजह से फिर पापा उनके साथ रहेंगे वहाँ पर टेक केयर करने के लिए, और मैं सोचा चलो वहाँ ही चलते हैं क्योंकि जाना तो है ही। तो यहाँ ना ये डैम है एक, तो देखिए माता टीला का डैम है, कितना बड़ा है ना। तो बस ट्रेन में है, लगभग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर से। वान्या ना ट्रेन में बैठी थी तब तो बहुत मस्ती कर रही थी, पर सुबह होते होते ना उसको नींद आ गई, तो करीब 6 बजे के आसपास वो सो गई थी यहाँ पर। वैसे तो हमने मतलब रिजर्वेशन की बर्थ हमारे थे, बट हमने ओपन नहीं किया क्योंकि मिडिल बर्थ होता है ना, उसको ओपन कर लो तो फिर ठीक से बैठ भी नहीं पाते, तो हमने बैठना ही प्रेफर किया। हम बैठे बैठे ही आए 3-4 घंटे के सफ़र में। मैंने ना कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस ऐसे ही सोचा थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लेती हूँ, शायद कोई ब्लॉग पूरा बन जाए तो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, तो बस ऐसे ही बना लिए। हम लोग ना रूम पर पहुँच गए हैं, हालत देखिए कैसी हो गई है 3-4 घंटे के सफ़र में। और मतलब आने के बाद में ना थोड़ा रूम सेट कर लिया था। अभी मेरी मम्मी ना खाना बना रही है क्योंकि 12 बजे वो ड्यूटी जाएंगी, और मेरे लिए भी दलिया वगैरह जो भी चीज़ें ना वो बना रही है। और वानू और उसके पापा गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए थोड़ा पास में यहाँ पर, और सारा सामान ना बैग वैग में से निकाल के इस तरीके से यहाँ पर पूरा रख दिया है। ये देखिए, अब बस धीरे धीरे करना है थोड़ा बहुत प्रोसेस शुरू, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही थोड़ा फ्री होते हैं ना तो आपको दिखाऊंगी कि मतलब कैसा रूम है जिसमें वो लोग रहते हैं, बाकी सब चीज़ें भी दिखाऊंगी धीरे धीरे। अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और मेरी मम्मी और वान्या और मेरे पतिदेव गए हुए हैं मार्केट थोड़े से काम से। एक्चुअली कल संतान सप्तमी की पूजा है ना, तो वो लोग चूड़ी लेने गए हैं, जो चांदी की चूड़ी होती है ना। अब जैसे ये मतलब युवान के नाम की एक और चूड़ी आएगी ना, वानू के नाम की तो एक है ही पहले से, तो वही चूड़ी खरीदने गए हैं। और थोड़ा बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब जो बहुत ज़्यादा किचन का ज़रूरी सामान था ना, जैसे कि शाम को आज चाय बनाई थी ना, तो चाय की छन्नी भी नहीं थी चाय छानने के लिए, तो वो लेने गए हैं। और ऐसे ही एक दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो वो सब लेने के लिए गए हैं। और युवान अभी मेरी गोद में है, मैं इसको लेकर के बैठी हुई हूँ। और हम लोग यहाँ बस दिन भर आज ऐसे निकला है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे क्या निकला है, बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो सो गए थे बहुत थोड़ी बहुत देर के लिए। पर है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वान्या के लिए बड़ी दिक्कत है, 2 रूम्स हैं केवल, बस दोनों में कहाँ जाए वो, और अंदर मतलब रूम से बाहर निकल के जब जाती है ना, तो फिर मतलब यही है कि यहाँ वहाँ घूम रही है, छत पर जा रही है। और ये अभी क्या है ना, नई जगह है तो पता नहीं है ना कि छत कैसी है। हालांकि वो जो मतलब जो हमारे मकान मालकिन हैं, आंटी हैं, वो बोल रही थी कि छत में सारा मतलब सब जगह पर मतलब ब्लॉक है, ऐसा कुछ गिरने विरने का सिस्टम नहीं है, हर जगह ग्रिल वगैरह लगी हुई है। बट फिर भी थोड़ा सा लगता है ना, नई जगह है तो बच्चे को देखेंगे कहाँ जा रहा है। और मैं इतना ज़्यादा स्टेयर्स अभी चढ़ नहीं सकती हूँ, तो मैं जा नहीं पा रही थी, बस वेट कर रही थी कि आ जाए नीचे आ जाए, आवाज़ लगा रही थी एक दो बार कि आ जाए ऐसे करके। तो बस वही सारी चीज़ें। बाकी जो हमारे मकान मालकिन हैं, मतलब जो मकान मालिक हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हम्बल नेचर के हैं। जैसे ही हम लोग आए ना तो अच्छे से हमें ट्रीट किया। कई बारी वो पूछने के लिए आई किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रूम भी जो हमें चाहिए था ना, एक रूम मतलब एक रूम तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी रह रहे थे, बट अब हम लोग आए थे तो उन्होंने एक और रूम उसी के जस्ट बगल वाला खुलवा लिया था। तो वो जो खुलवाया था ना, उसको भी पूरा नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा। और उसके बाद ना उन्होंने खाना बनाया होगा अपने घर पर, किसी का न्योता किया होगा, तो पूरा एक प्रॉपर थाली लगा के ना वान्या के लिए भेजी थी कि मतलब ऐसी कन्या के रूप में उसको खिलाने के लिए। तो बस वही चीज़ है, तो इसलिए मतलब उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। दिन में भी एक दो बार उन्होंने पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है, तो अच्छा है उनका नेचर। और बस बाकी यही है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि पापा जी और वही रह रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं, सामान बहुत कम है। देखते हैं अभी हमें कितना क्या रहना है, तो उस हिसाब से ना हम देखते हैं कि सामान और लेकर आएंगे या फिर हो सकता है कि हम लोग चले जाएं, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र का भी कंफर्म नहीं है मेरे हस्बैंड का। हो सकता है कि इस महीने के एंड तक ट्रांसफ़र हो जाए फाइनली वहीं पर,
तो फिर हो सकता है कि तब तक हम लोग सामान इतने सीमित सामान में ही तब तक काम चलाएं, और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं ट्रांसफ़र अब नहीं हो रहा है, यहीं रहना है, तब हम पूरा सामान सब कुछ लेकर के आएंगे। सो अभी वो लोग मार्केट चले गए थे, बैठी थी तो सोचा आप सबसे बात करूं। दिन में तो ना नींद बहुत आ रही थी, रास्ते में ट्रैवलिंग में थकावट बहुत हो गई ना, तो उसकी वजह से है ना फिर ब्लॉग शूट करने का मन नहीं किया, तो इसीलिए सो गए थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। अभी शाम का वक्त था तो सोचा अकेली बैठी हूँ फ्री, तो आप सबसे बातें करूँ। दिखाती हूँ बाकी आपको अभी दोनों रूम्स वगैरह। एक रूम ये है जिसमें मैं बैठी हूँ, एक यहाँ से अंदर है जिसमें ना किचन का सामान वगैरह रख दिया है सारा। तो ये महाशय मेरी गोद से नीचे लेटेंगे अगर, तो मैं दिखाती हूँ अभी आप सभी को। सो हम लोग जब आए थे ना, तो यहाँ इस गेट से एंटर हुए थे, अंदर आए थे इस गेट से, तो इस तरीके से बस ये रूम है। यहाँ पर ना भगवान जी को थोड़ा सा बस जन्माष्टमी का उनका वो लगा रखा है। और ना एक ये वाला गेट है, ये मेन बाहर खुलता है सड़क पर। उसके बाद बस ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये पेपर लगा दिया है ताकि जो कुछ भी बनाओ ना, तो उसके लिए वो ना दीवार पर गंदा ना करे, और ये पेपर ना उन्होंने ही लगा कर दिया है, मकान मालिक ने। और बाकी ये गैस का चूल्हा वगैरह रखा हुआ है। ये दूध ना अभी मैंने शाम को हस्बैंड से मंगाया था, तो अभी उबल गया, उबलने रख दिया था मैंने, बंद कर देती हूँ अभी। बस यहाँ सुबह मम्मी ने दाल चावल वगैरह बनाए थे, वही सब रखा हुआ है। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत वही सब रखी हुई हैं, बस ये देखिए। और सब कुछ ना ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम लोग तो थे नहीं, वो लोग जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे थे, तो बस यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद ना यहाँ से ही इस दूसरे रूम की तरफ गया हुआ है, जो कि अभी तो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ यही रूम ले रखा था, बट हम लोग आ गए तो इसको भी खुलवा दिया है यहाँ से। और यहाँ बस इस तरीके से ये एक, मतलब ये एक पलंग कह लो या जो भी कह लो, ये हमें ऑलरेडी मतलब रखा हुआ उनके ही, उन्होंने ही दिया है रूम में, तो ये उन्होंने ही दिया है रखा हुआ। बाकी ये रूम है, ये खुलता है अंदर की तरफ घर में, और बस इस तरीके से। तो ये सब सामान हम लोग लाए हैं, वो फैला हुआ है अभी यहाँ पर। और ये लंगोटियाँ वंगोटियाँ यहाँ भी सूखना शुरू हो गई। तो इस तरह से हैं दो रूम्स, और ये महाशय लेटे हुए हैं इधर। अभी क्या है ना, एकदम से आए हैं तो चीज़ें काफ़ी सारी समझ में भी नहीं आ रही हैं, क्या करना है कैसे करना है। नई जगह होती है ना, तो नया माहौल होता है थोड़ा सा, हम भी मतलब काम वाम करने में ना समझ नहीं आता है थोड़ा सा, अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं। बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा रूम वूम ठीक कर देती हूँ जब तक वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, वरना फिर क्या है ना, अभी मम्मी ही सारी चीज़ें देख रही हैं तो वो भी परेशान हो जाएंगी, सब कुछ कहाँ तक करेंगी। और बस बेबी भी अभी चुप था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चीज़ें निपटा देती हूँ मैं उनके आने तक। तो बस ऐसे ही यही थोड़ा बहुत काम वाम कर रहे हैं। बाकी यहाँ से अब देखती हूँ मैं कितने क्या रेगुलर व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर पाऊँगी या नहीं, और जो भी होगा ना, जैसे भी होगा, थोड़ा थोड़ा आप सबके साथ शेयर ज़रूर करती जाऊँगी। तो बस आप सब भी देखते रहिए, नई जगह कैसी है, नया, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो सब भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो बस जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए मेरी नई जगह कि मैं वहाँ से कैसे वीडियो शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक।